छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिताएं हमारी पाठशाला में आज संपन्न होने जा रही हैं। आप सभी के सहयोग से हम इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक संपन्न करवा सके हैं, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे छात्रों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा और इन्होंने खेलों को खेल की भावना से खेला और शांति बनाए रखी। तो सभी निर्णायक मंडल ने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया और निष्पक्ष निर्णय लिए। कुछ छात्रों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ था और उन्हें जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चुना गया। मैं उन पाठशालाओं के अध्यापकों से आग्रह करूंगा कि वे उन छात्रों को अवश्य आगे लेकर जाएं ताकि उनकी कक्षाएं और लिखने और हमारे देश का मान बढ़े। जो विद्यार्थी मेडल नहीं जीत पाए हैं उनको निराश होने की अवस्था नहीं है कि वे आज संकल्प लें कि वे अपनी इतनी मेहनत करेंगे कि अगले वर्ष प्रथम स्थान हासिल करेंगे। तो इसके साथ जैसे टूर्नामेंट के बारे में आता है तो यहाँ पर विभिन्न जो लोग हैं जो हमारे पास जैसे सफाई कर्मचारी हैं, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा जो पानी की व्यवस्था जो है उसको सुचारू रूप रखने के लिए चार या पांच दिन तो जिसमें श्री रूपलाल श्री सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लगातार पानी की सप्लाई को जारी रखा। सभी का धन्यवादी हूँ। हमारे बीच में मौजूद प्रिंसिपल महोदय, विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्रिंसिपल महोदय, पत्रकार बंधु, प्रधान ग्राम पंचायत थाना, उसके साथ SNC प्रधान और विभिन्न स्कूलों से आए हुए विद्यार्थीगण, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देने के लिए धन्यवादी हूँ। जिनकी सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट के लिए हुई है उनके लिए उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि कहा गया कि जो गेम्स होती हैं उसमें ना कोई जीतता है ना हारता है, एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष सीखता है। आप सभी मेडल के हकदार हैं, जो जीते हैं वो विजय मेडल लेके जाएंगे, लेकिन जो हारे हुए हैं या जो दूसरे स्थान पर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में सीखते ही हैं। हार से व्यक्ति ज़्यादा सीखता है ना कि जीत से सीखता है। तो जिन जो हारे हैं या जो सेकंड पोजीशन पर रहे हैं वो अगले वर्ष फिर से आएंगे और फिर से कंपटीशन करेंगे और विजयी होकर जाएंगे। मैं उन सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपसे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको धन्यवाद करूँगा। 450 बच्चों का 4 दिन तक देखभाल रखना, उनको हर चीज़ प्रोवाइड करवाना, अनुशासन दिखाना यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे खेल होते हैं, खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी सिखाते हैं, जो हमारी टीम स्पिरिट है उसको जागृत करते हैं, जो टीम वर्क वाले जो कार्य होते हैं या गेम्स होती हैं उससे वो आगे चल के आप में सोसाइटल, जो हमें एक सोसाइटी में रहना होता है उसके सिखाता है, टीम वर्क को सिखाता है। तो मैं आप सभी बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। अंत में मैं सिर्फ एक संस्कृत के श्लोक से इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, नहि शुक्लस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये आपने अपने संस्कृत की किताबों में भी पढ़ा होगा कि बिना कार्य से किसी को भी सफलता नहीं मिलती है, शेर को भी खाने के लिए शिकार करना पड़ता है।